close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on once again, welcome back to PC Vlogs. Firstly, guys, thank you so much for your love and support that you have showed in my previous video. So, जैसा कि आपको पता है, मेरा कोविड का टेस्ट हो चुका है और नेगेटिव रिपोर्ट भी मेरे पास आ चुकी है, जो मैंने ऑलरेडी कॉलेज वालों को मेल कर दिया है. और मैं स्टारबोरो से अभी किचनर मूव हो चुका हूँ. और अभी जो काम निपटाना है उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट काम था, वो था सीन नंबर वाला. सो यहाँ पे जो सिन नंबर होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, वो आपको चाहिए होता है अगर आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो उसके बगैर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाएगी. यहाँ पे किचनर में कल बहुत सारी स्नोफॉल हुई है. आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है और यहाँ का टेम्परेचर अभी -3 के अराउंड है. वैसे फील नहीं होता -3, बट जब हवा चलती है तभी आपको ज़्यादा ठंड लगती है. सोचा कि सीन नंबर का काम निपटा देते हैं. पहले ये हुआ करता था कि कोविड से पहले कि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ही वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको सीन नंबर दे देते थे, बट ये कोविड के चक्कर में अभी वो लोग आपको सिर्फ एक पेज देंगे जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने में सिर्फ दिक्कत ये थी कि उसको 20-25 दिन लग जाएंगे आने में, तो मैंने क्वारंटाइन के ड्यूरिंग में अप्लाई नहीं करा. मैं सोच रहा था सर्विस कनाडा जाके ही अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से ही सिन नंबर ले लूँगा. सो मैंने 2 दिन पहले उनको कॉल करा था, सर्विस कनाडा नियर बी सर्च करके गूगल पे, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करा है जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. रिक्वेस्ट फॉर्म आपकी डिटेल डाल के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगा. और जैसे आप वो रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको 2 दिन के अंदर उनकी तरफ से कॉल आएगी कि आपके नज़दीक का सर्विस कनाडा सेंटर कौन सा है और आपको कितने बजे की अपॉइंटमेंट मिलेगी. तो अपॉइंटमेंट मेरी है अभी 15-20 मिनट की. मेरे घर से जहाँ मैं अभी रहता हूँ उधर से लगभग 1.5 किलोमीटर ही है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ. इधर -3 डिग्री ऑलरेडी है और कल बहुत सारी स्नो ऑलरेडी पड़ चुकी है. आई गेस ये सारा बैकग्राउंड वाइट है, इसकी वजह से थोड़ा फ़ोन दिक्कत कर रहा है कलर एडजस्ट करने में, बट कोई ना, ये नज़ारे हैं यहाँ पे. सो अभी जा रहा हूँ मैं, 1 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी, देखते हैं क्या सीन है. और रिटर्न में आते वक्त पूरा बताऊँगा कि कैसा रहा. सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. चलो मिलते हैं. Turns to sun rays and on and on.
us, and we'll grow in number, fueled by thunder to see the horizon, turn us to thousands. तो जी अपना काम हो चुका है सिम नंबर वाला, ज्यादा कुछ दिक्कत या लोड वाली बात है नहीं। उधर जाके आपको सिर्फ बोलना है कि मेरी अपॉइंटमेंट है इतने बजे की, सिम नंबर के लिए मैं आया हूँ। आपको वहाँ पे एक ऑफिसर होंगे, वो आपका पासपोर्ट और स्टडी परमिट मांगेंगे आपसे, ये दोनों चीज़ ज़रूर लेके जाना, और आपकी डिटेल्स थोड़ी बहुत कंफर्म करेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह। सो जैसे आप सारी डिटेल दे देंगे मेरे को, 10 मिनट में आई गेस उन्होंने सिम नंबर दे भी दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिम नंबर जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो आप इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगा उसको अपनी जो प्राइवेट फाइल है उसी में रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप शेयर कर देंगे तो किसी से। आज का एक्सपीरियंस यही था, अभी जर्नी मेरी शुरू हुई है, आगे आगे जैसे जैसे मेरे को जो जो दिक्कतें आएगी, जो हर्डल्स आएगी, या जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगेगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को और बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं, और अपने सारे जो दोस्त हैं जो जनवरी इनटेक के लिए आने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल इंक्लूड करूँ वीडियो के अंदर, और बोरिंग ना हो जाए इसलिए थोड़ा बाहर शूट कर रहा हूँ ताकि आपको नज़ारे भी दिख जाए। या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। और पुराने बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आए थे कॉनेस्टोगा कॉलेज और वीज़ा के रिगार्डिंग, आई होप मैंने सबको रिप्लाई करा है, अगर एक आध दो मिस हो गए हो तो आई एम सो सॉरी। अभी मूव हुआ हूँ तो सारा सामान और वगैरह सेटअप करना था इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग चुका। ये वाली जो गई है पीछे वो यहाँ की किचनर की बस है, अभी देखते हैं उसके ऊपर भी अगर जाऊँगा तो एक वीडियो उसके ऊपर भी बना लूँगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से अवेलेबल है और क्या सीन है, क्या रेट है।